एक ऐसा देश जहां की मिर्ची और लड़की दोनों बहुत तीखी हैं। एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का व्यापार करता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैक्सिको देश की, जो नॉर्थ अमेरिका का देश है, जिसके नॉर्थ में अमेरिका और साउथ में पैसिफिक महासागर है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो मैक्सिको 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी वजह से यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के लिहाज से यह 10वें नंबर पर आता है, जिसमें लगभग 13 करोड़ लोग बसते हैं। 84% लोग शहरों में तो वहीं 16% लोग आज भी गाँव में रहते हैं। मैक्सिको में 67 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। जितने लोग स्पेन में स्पेनिश नहीं बोलते, उससे कहीं ज्यादा यहाँ स्पेनिश बोली जाती है। और इसकी एक बड़ी वजह है कि स्पेन ने 200 सालों तक मैक्सिको पर शासन किया था। आज के समय में मैक्सिको का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट है, पर यहाँ के लोग इसे मैक्सिको ही बुलाते हैं। मैक्सिको को द लैंड ऑफ जैगुआर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जैगुआर यहीं पाए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा यहाँ की सरकार भी करती है। इस देश की राजधानी मैक्सिको सिटी है, जो झील पर बसाई गई है, इसीलिए हर साल यह शहर 3 फीट नीचे धंसता जा रहा है और पिछले कुछ सालों में मैक्सिको सिटी 32 फीट तक धंस चुकी है। दोस्तों मैक्सिको में साल 2000 से 2016 तक 2 लाख मर्डर्स फाइल किए गए हैं और 30,000 से भी ज्यादा लोग गुमशुदा हो गए हैं, जिसमें से 25,000 तो साल 2017 में ही हुए थे। मैक्सिको में मारधाड़ खून डकैती बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। दोस्तों यहाँ पर 31 दिसंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच डे ऑफ डेथ मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवार में से गुजरे हुए लोग और उनकी बातें करते हैं, उनकी आत्माओं से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, रात में कब्रिस्तान पर जाते हैं। डे ऑफ डेथ न मनाने पर ऐसा माना जाता है कि मरने वाला आपको बहुत बड़ा बीमार बना देगा और धीरे धीरे आपकी मौत हो जाएगी। स्पेन ने मैक्सिको पर लंबे समय तक शासन किया है, इसीलिए पूरे मैक्सिको में स्पेन का प्रभाव देखा जा सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोला मैक्सिको में ही है। दोस्तों भले ही मैक्सिको में चोरी डकैती लूटमार ज्यादा होती हो, पर फिर भी यहाँ सालाना करोड़ों सैलानी घूमने आते हैं। साल 2019 में मैक्सिको में 4.5 करोड़ पर्यटक घूमने आए थे। पर्यटकों का इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ आने का कारण एक तो स्पेनिश कल्चर का प्रभाव है और दूसरा यह काफी सस्ता देश है और भारत के 1 रुपये मैक्सिको में 3.61 रुपये के बराबर होते हैं। यहाँ चलने वाली करेंसी को मैक्सिकन पीसो कहते हैं। दोस्तों ब्राजील के बाद दुनिया से सबसे ज्यादा कैथोलिक लोग मैक्सिको में ही बसते हैं। यहाँ की कुल आबादी में 83% लोग कैथोलिक सिटीजन्स हैं। 30 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, जो इसे और भी आकर्षित बनाती हैं। दोस्तों इन एंजल साइन मैक्सिको सिटी में दूर से ही देखने को पता चलता है और इसे 1990 में बनवाया गया था। साथ ही इस स्टैचू को द एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। मैक्सिको की राजधानी में सबसे ज्यादा टैक्सी चलती हैं और इस शहर में 1.5 लाख से ज्यादा टैक्सी रजिस्टर्ड हैं। मैक्सिको का गुहान जुआंटो सोने चांदी और हीरे की खदानों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसे टूरिस्ट भी जाकर विजिट कर सकते हैं। राजधानी के नीचे काफी सारी सुरंगें लोगों ने खोद रखी हैं, जिससे मैक्सिको के लोग चुपके से सीधा अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं और अमेरिका के मैक्सिको में। इन्हीं सुरंगों से गैर कानूनी चीजें मैक्सिको में लाई जाती हैं और भेजी जाती हैं। मैक्सिको में कई खूबसूरत बीचेज हैं, जहाँ पर लोग छुट्टियों में खूब मजा करते हैं, पानी से खेलते हैं और शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं, और इन बीचेज पर कई बार काफी भीड़ भी होती है। तो दोस्तों ये था मैक्सिको। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।